हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो कम्पटेटर टॉपिक पढ़े थे उसका कुछ रिलेशन देखेंगे और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कल ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दूं क्वांटम मैकेनिक्स का, तथा साथ ही साथ क्लासिकल मैकेनिक्स का भी कल पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर दोनों में फिनिश कर लिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी स्टार्ट करने का। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो बनता है उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना अच्छा आपका रिस्पांस होगा उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और उतने ही इनर्जेटिक कंटेंट आपको मिलेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो चलिए आज का जो टॉपिक है ये क्या है, कम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सब रिलेशन आता था प्रूव करने के लिए। ठीक, तो ये ऑपरेटर्स के कम्यूटेशन रिलेशन को देखा जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपके दिमाग में पहले ये रहना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर अगर आप जान गए तो कम्यूटेटर्स क्या होता है, दूसरा टॉपिक वो आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप रिलेशन समझेंगे। और कम्यूटेटर जानने के बाद आपको कम्यूटेटर के रूल भी पता रहना चाहिए, तब और अच्छे से आप इन टॉपिक को समझेंगे। ओके, आज के टॉपिक का मेरा आज के वीडियो में बस यही लक्ष्य होगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, तो इस वजह से बस यही बनाऊंगा। अगले टॉपिक में और सारे रिलेशन, मतलब कल और सारे रिलेशन देखे जाएंगे और पूरा कोशिश किया जाएगा कि चैप्टर फिनिश कर दिया जाए, नहीं कल तो परसों तो आराम से फिनिश हो ही जाएगा। ओके, तो देखिए पहला रिलेशन जो देख रहा है हम लोग को कि अगर ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर है एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो आपस में क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ आपस में कम्यूट होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू जीरो आता है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपस में कम्यूट हो रहा है। उसी तरीके से अगर ये आपके y कंपोनेंट है पोजीशन ऑपरेटर का और z कंपोनेंट है पोजीशन ऑपरेटर का, ये भी क्या होते हैं, आपस में कम्यूट होते हैं, क्योंकि इनका भी जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसका वैल्यू जीरो है। और फिर जो ये होते हैं z कंपोनेंट और x, मतलब z ऑपरेटर और x ऑपरेटर, इनके भी जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होते हैं जीरो होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑपरेटर होते हैं वो अपने डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, मतलब अगर x है तो y के साथ, y है तो z के साथ, और z है तो x के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। ओके, क्योंकि जो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है जीरो होता है। कैसे, इसको आप दिमाग में रखेंगे, जैसे मान लीजिए x है, y है, z है, मान ले रहे हैं क्या, ये x ऑपरेटर है, ये y ऑपरेटर, z ऑपरेटर है। इसको ऐसे साइकिल के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x y के साथ क्या होगा, कम्यूट होगा, जीरो होगा, y z के साथ होगा कम्यूट होगा, जिसका जीरो होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट, और ये z x के साथ कम्यूट होगा, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो देखिए पहला हेडिंग डाल के अब हम लोग फर्स्ट वाले कंडीशन को प्रूव करने का कोशिश कर। ओके, तो अब हम लोग पहला केस उठाएंगे और लिखेंगे ऑपरेटर x और ऑपरेटर y, इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है ये क्या है, जीरो के बराबर है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक, इसके प्रूफ को लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स वी है। क्या हम जानते हैं, क्या हमको पता है कि अगर ए और बी क्या हैं, दो ऑपरेटर हैं, आपस में अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट बना रहे हैं, तो जो उसका वैल्यू होगा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से सिमिलरली अब हमको क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे ऑपरेटर x और ऑपरेटर y जो होगा ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, अब वो चीज़ हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो चूंकि देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर है तो उसको ऑपरेट कराने के लिए एक फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि साई कोई फंक्शन है जिसपे क्या हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक, और साई क्या है, ये एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ऑपरेटर x ऑपरेटर y माइनस ऑपरेटर y ऑपरेटर x इंटू साइन के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है,
इस साई पे जैसे एग्जांपल हम लोग देखे थे ना, वैसे ही क्या कर लिए हैं, साई कंसीडर कर लिए हैं कि साई पे क्या हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है। ओके, अब देखिए इसको जब आगे लिखा जाएगा तो आप एक चीज़ जानते हैं, आप पीछे पढ़े हैं कि जो ऑपरेटर होता है वो खुद अपना क्या होता है, जैसे ऑपरेटर एक्स है तो एक्स क्या होगा, खुद एक अपना ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन ऑपरेटर खुद का एक अपना ऑपरेटर होता है। वैसे वाई क्या है, वाई भी क्या है, वाई ऑपरेटर का वैल्यू वाई होगा और जेड ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, जेड होता है। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेटर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स ऑपरेटर का वैल्यू एक्स, वाई ऑपरेटर का वैल्यू वाई, वाई ऑपरेटर का वैल्यू वाई, एक्स ऑपरेटर वैल्यू एक्स और साथ में साई, जहाँ पे साई क्या है, साई एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, एक्स और वाई दोनों हम ले रहे हैं इसलिए एक्स वाई का फंक्शन इसको मान रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं एक्स इक्वल टू क्या लिखा है 2 और वाई इक्वल टू क्या लिखा है 5, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये तो डायमेंशन ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 क्या होगा 10 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, ये भी क्या होगा 10 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, जिसका मतलब क्या होगा, ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर वाई कम्यूटेटर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय साइन इज इक्वल टू जीरो, तो इट्स इम्प्लाइड दैट ऑपरेटर एक्स और ऑपरेटर वाई का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो जीरो के बराबर होगा। इस चीज़ को मैंने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक, ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, तो अब देखिए सिमिलरली अब आगे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिएगा, कॉपी में साथ में नोट्स बना ही रहे होंगे, कॉपी में लिखिएगा आगे, इस लाइन के आगे लिखिएगा, ठीक, यहाँ साइन क्यों लाए, क्योंकि इन ऑपरेटर को ऑपरेट कराने के लिए हमको एक वेव फंक्शन चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर अकेले यूजलेस है जब तक उसको वेव फंक्शन ना मिले। एग्जांपल शुरू से लेते आए हैं, बंदूक आपके पास है तो वो यूजलेस है जब तक आपके पास गोली ना हो उसमें लगा के चलाने के लिए, ठीक, तो उसी तरीके से ऑपरेटर भी क्या है, यूजलेस है जब तक क्या हो उसके लिए फंक्शन एक ना हो उसके पास ऑपरेट होने के लिए, ठीक। अब नीचे लिख दीजिएगा सिमिलरली वी कैन राइट, या वी ऐसे लिख दीजिए, वी कैन प्रूव सिमिलरली वी कैन प्रूव, आप क्या प्रूव कर सकते हैं, ऑपरेटर वाई और ऑपरेटर जेड का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा जीरो होगा और ऑपरेटर जेड और ऑपरेटर एक्स का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो जीरो होगा। मतलब डिफरेंट एक्सिस के अलांग जो पोजिशन वेक्टर होते हैं आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, पोजिशन ऑपरेटर आपस में डिफरेंट एक्सिस के अलांग कम्यूट करते हैं। ओके, तो अब अगले सेशन में हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर और पोजिशन ऑपरेटर का कम्यूटेटर रिलेशन देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग कम्यूटेटर रिलेशन देखेंगे किसके बीच, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के बीच, मतलब ये तीनों कंडीशन देखना है, इनको देख के आज का वीडियो समाप्त कर देंगे, फिर आगे कुछ नया रिलेशन अगले वीडियो में देखा जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसको भी हटा देता हूँ, अब देखिए यहाँ से प्रूव करना है इसको कि जो एक्स ऑपरेटर है, मतलब जो आपका पोजीशन ऑपरेटर है लॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो मोमेंटम ऑपरेटर है, मतलब मोमेंटम ऑपरेटर का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वो आपस में कम्यूट नहीं होते हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कम्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये कम्यूट होते ये वैल्यू जीरो होता, जैसे अभी हम लोग देखें एक्स वाई आपस में कम्यूट हो रहे थे तो उसका वैल्यू जीरो आ रहा था, लेकिन इसका देखिए जीरो ना आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम्यूट नहीं होते हैं। इसी चीज़ को आगे प्रूफ करना है, ठीक, तो अब क्या डालेंगे यहाँ, प्रूफ लिखेंगे, ठीक, और क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ, लिखा जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स ऑफ टू ऑपरेटर, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दो पार्ट में बना ले रहा हूँ, ठीक, आप इस पार्ट के नीचे ये वाला पार्ट लिखिएगा, ठीक, थोड़ा जगह कम है इसलिए दो पार्ट में बना रहा हूँ। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर से
मान ले रहे हैं एक्स ऑपरेटर कम्यूट हो रहा है मोमेंटम ऑपरेटर, मतलब पोजिशन ऑपरेटर कम्यूट हो रहा है मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, तो इस पर एक वेव फंक्शन लगा रहे हैं साई एक्स। ठीक, साई एक्स क्या मान ले रहे हैं, एक वेव फंक्शन, बस साई लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि एक्स के एलान कर रहे हैं, तो एक्स का क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि हमको ऑपरेटर को ऑपरेट कराने के लिए वेव फंक्शन जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑपरेटर इंटू पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स ऑपरेटर, कहाँ से लिखे, हम लोग कम्यूटेटर के डेफिनेशन से लिखे, और यहाँ क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये साई क्या है, एक्स का फंक्शन है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जो एक्स ऑपरेटर होगा इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, और जो पी एक्स ऑपरेटर होगा इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट डेल वाई डेल एक्स के बराबर होगा। ठीक, ये वैल्यू पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो इसका वैल्यू होगा पी एक्स का माइनस आई एच कट डेल वाई डेल एक्स के बराबर होगा। अगर पी ऑपरेटर रहता तो क्या रहता, माइनस आई एच कट, यहाँ क्या रहता, डेल रहता। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऑपरेटर का वैल्यू इस ब्रैकेट में ला के रखेंगे, तो ये क्या होगा, एक्स ऑपरेटर का वैल्यू एक्स है, पी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स है। ठीक, और फिर यहाँ क्या है, पी एक्स का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको ऑपरेट कराना है, ये फंक्शन क्या करना है, इस पर ऑपरेट कराना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन बाहर ले ले रहे हैं, माइनस, ठीक, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिए, उसका कोई ऑपरेशन से मतलब है नहीं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, एक्स डेल ओवर डेल एक्स, अब साई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साई आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो गया, आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, एक्स साई आएगा। ठीक, आर्डर में ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि साई को अंदर घुसा देंगे, एक्स को बाहर निकाल देंगे, नहीं, पहले एक्स लिखेंगे और फिर साई होगा, मतलब पहले एक्स इस पर ऑपरेट होगा और जो वैल्यू आएगा उस पर फिर डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट होगा। इस चीज़ को मैं पीछे ही बता चुका हूँ, क्लियर, तो आर्डर चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स ऑपरेटर और क्या हो गया, पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, माइनस आई एच कट, ठीक, साथ में क्या रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा, डेल साई ओवर डेल एक्स रहेगा, प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा, तो इसके पास दो फंक्शन हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक्स है और दूसरा सेकेंड फंक्शन क्या है, साई है। ठीक, तो इस पर ऑपरेट कराएंगे, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट को पहले लिख लेंगे आई एच कट। ठीक, अब क्या होगा, मान ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स इंटू साई हो जाएगा, क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक, और क्या हो जाएगा, इंटू साई हो गया, और फिर दूसरे फंक्शन पे ऑपरेट होगा, क्या होगा, आई एच कट, और क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन इंटू, सॉरी, पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, कुछ ऐसे होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सेम है, बस साइन क्या है, निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव अपोजिट साइन, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, तो ये बच गया। देखिए यहाँ पे साइन छूटा हुआ है, यहाँ क्या है, साइन है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर का कम्यूटेटर और यहाँ साइन लगा हुआ है, जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, एक्स पी एक्स ये किसके बराबर होगा, आई एच कट के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए कितना आसान प्रूफ है इसका, जल्दी आप नोट करिए, एक मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको सुविधा हो। ठीक, अब हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। ठीक, अब इरेज कर रहा हूँ, देखा जाएगा इसका फिजिकल मतलब क्या है, जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कम्यूटेटर का फिजिकल मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर आया है
ऑपरेटर का जो वैल्यू आया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो उनका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और अगर उनका वैल्यू जीरो हो रहा है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए अभी को हम लोग मेजर किए ना, एक्स कैफ वाई कैफ जीरो था, इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट हो रहे हैं तो उनको हम एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली एक टाइम पर मेजर कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर है ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं, इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक टाइम पर साइमल्टेनियसली पोजीशन को और मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। और यही आप याद करिए कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी था, उन्होंने बताया था कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हैं, और जो वैल्यू होता है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट अपॉन टू, या यही इसको एच कट अपॉन टू की जगह एच अपॉन फोर पाई हम लिख सकते हैं, उसके क्या होता है बराबर होता है, ठीक। तो अब इसके मतलब को देख लेंगे, लिखेंगे दस द ऑपरेटर्स एक्स कैप एंड पी एक्स कैप डू नॉट कम्यूट विथ ईच अदर, दैट इज वी कैन नॉट मेजर एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। मतलब अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो नहीं है तो इन दोनों ऑपरेटर को हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर कम्यूट करता वैल्यू जीरो रहता तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एक्स और वाई आई पीछे क्या कर रहे थे, कम्यूट कर रहे थे, वैल्यू जीरो था, तो जाहिर सी बात है अगर हम पोजीशन निकाल रहे हैं मान लीजिए पार्टिकल का यहाँ पे है तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एक साथ हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है, ठीक। तो कम्यूट कर रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम और पोजिशन को एक साथ हम नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेसी के साथ। और ये स्टेटमेंट जो है कम्यूटेटर का हम लोग का जो वैल्यू है ये हाइजेनबर्ग के स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटर रिलेशन हम लोग का करेक्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।